दोस्तों एफ एन एन न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से हमें एक जरूरी जानकारी साझा करनी है आप पूछ सकते हैं कि जानकारी क्यों खबर क्यों नहीं क्योंकि जनाब बात थोड़ी पुरानी है लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है कोई भी बात जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से हो वो भले देरी से पता चले लेकिन पता होना जरूर चाहिए आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के लिए एक नया नियम बनाया है जिसकी वजह से आपको और हमें वाकई में बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है एक बड़ा दर्द और चिंता दूर हो जाएगी बिल भरने के टेंशन से थोड़ी राहत मिलेगी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड बिलिंग की साइकिल को लेकर एक नया नियम बना दिया है इस नियम की वजह से अब आप ये तय कर पाएंगे कि साइकिल कब चलेगी क्या होती है क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल अब सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल होती क्या है मोटा मोटी 45 से 50 दिन का कार्यक्रम जो 30 और 15 दिन में बटा होता है 30 दिन खर्चा करने के लिए और फिर 15 दिन बिल भरने के लिए उदाहरण के लिए अगर आप बिलिंग साइकिल हर महीने की 15 तारीख है तो आपको एक से 30 तारीख मिलती है खर्च करने के लिए जैसे एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक आप जितना भी खर्च करेंगे उसका बिल एक मई को जनरेट होगा और आपको पंद्रह मई तक भुगतान करना होगा कुछ संस्थान पंद्रह की जगह सत्रह या अठारह तारीख भी देते हैं मगर नॉर्मल कंडीशन में पंद्रह मई ही रहेगा बिलिंग साइकिल का आपकी लिमिट से कोई लेना देना नहीं है बोले तो अगर लिमिट एक लाख है और आपने तीस हजार ही खर्च किया तो बाकी बचा सत्तर हजार आप अगली एक से तीस के बीच खर्च कर सकते हैं लेकिन पंद्रह तक बिल भरना ही होगा बिल भरते ही वापस से एक लाख लिमिट हो जाती है हां। जो आपने बिल नहीं भरा या देरी की तो लेट पेमेंट से लेकर ब्याज तक का लंबा फटका आपको लगेगा नया नियम क्या कहता है इस नियम के अनुसार आप अपनी बिलिंग साइकिल खुद तय कर सकते हैं जैसे अगर आपको पंद्रह तारीख पर नहीं बल्कि दस या पच्चीस को भरना है तो अब ऐसा मुमकिन होगा यह नियम बहुत काम आ सकता है जब बिल भरने की आखिरी तारीख 28 और 29 होती है माने जब आम इंसान के पास थोड़ी तंगी होती है आप सोचते हैं कि काश 29 की जगह तीन तारीख आखिरी होती अब ये हो पाएगा क्या करना होगा बहुत आसान है सबसे पहले आपको अपनी टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी मतलब या तो बिल जनरेट होने का इंतजार कीजिए या फिर तुरंत बिल भर दीजिए या फिर बिल जनरेट होने के बाद अगला बिल जनरेट होने तक उस कार्ड से कोई खर्च मत कीजिए अगर हाथ के हाथ बिल निपटाना है तो कस्टमर केयर को फोन घुमा लीजिए वहां से उस तारीख की आउटस्टैंडिंग पता चल जाएगी बिलिंग साइकिल बदलने के लिए आप यहां बोल सकते हैं या कई संस्थान तो अब ऐप पर भी ये फीचर उपलब्ध करवा रहे हैं ईमेल करके भी काम आपका हो जाएगा वैसे अगर आप नया क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं संस्थान को आपका बिलिंग साइकिलिंग के बारे में पहले पूछना होगा अब आपकी मर्जी जैसे मर्जी वैसे साइकिल चला लीजिए तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके बताएं साथ ही लाइक और शेयर भी करें